अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दहते की रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1/2 kg बीफ का कीमा, 1/2 कप आपको बेसन चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून दही, 1 दरमियानी कच्ची प्याज, आपको 2 to 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, 1/2 to 1 टीस्पून नमक ले सकते हैं आप, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आपको लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 दरमियानी प्याज को आपने फ्राई कर लेना है। आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है। और उसमें आपने 1/2 कप बेसन को फ्राई करना है। बेसन को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है उस वक्त तक जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। आपने बेसन को इस तरह से दबा दबा के फ्राई कर लेना है। अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। अब ये बेसन बिल्कुल सही से फ्राई हो चुका है। बेसन कोफ्तों की बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है। अब आपने चॉपर में बीफ का कीमा डाल देना है। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, अंदर कोई पानी नहीं होना चाहिए इसके। साथ ही इसमें दही, अभी जो हमने बेसन फ्राई किया था वो, धनिया और हरी मिर्च। अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर, फ्राई किया हुआ प्याज, एक कच्ची प्याज, इन सबको ऐड करके हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये वहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुका है। इसे आपने बहुत ही बारीक पीसना है, जितना बारीक हो सके उतना पीसना है। अब आपने हाथों को ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। से दबा दबा के हल्के हाथ से छोटे बड़े जिस साइज के भी आप बनाना चाहें ये बना के एक साइड पर रखें। तैयार हो चुके हैं, अब हम इसका मसाला बनाते हैं। कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए होगा
एक अदर मीडियम प्याज को आपने फ्राई कर लेना है, एक कप दही, एक टीस्पून आपको गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, एक टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पाउडर पेस्ट और धनिया पाउडर एक टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और ये साबुत गरम मसाला है। अब कढ़ाई में आपने हाफ कप ऑयल ले लेना है, इसमें आपने सबसे पहले 10 से 12 काली मिर्चें और 5 इलायची आपने इसको हल्का सा क्रश कर लेना है और इसके अलावा 5 से 6 लौंगें आपने ले लेनी है, इनको आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। साबुत गरम मसाले को हल्का सा पकाकर इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इतना फ्राई करना है कि इसका अंदर से अच्छे से स्मेल आना शुरू हो जाए। जब अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के फ्राई होने के बाद अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इनको हल्का सा फ्राई करके इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि मसाले जले नहीं। इसमें हल्का सा पानी डाल दें। अब साथ ही इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं, एक एक करके आपने ऐड करने हैं। इस टाइम पे आपकी जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो होना चाहिए। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस हल्का सा इनको सेट कर देना है। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसमें अब चम्मच नहीं चलाना बल्कि इसको आपने ऐसे कढ़ाई को पकड़ के इसको हल्का सा हिलाना है। अगर इसमें हम चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते टूट सकते हैं। अब आपने इनको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाना है। जब आपको लगे कि कोफ्तों की एक साइड पक चुकी है थोड़ी सी तो आपने इनको टर्न करना है बिल्कुल आराम से, एहतियात से, ताकि इनकी दूसरी साइड भी पक जाए। कोफ्तों को आपने बिल्कुल एहतियात से आराम से टर्न करना है। इसके लिए आप एक स्पून की हेल्प भी ले सकती हैं, इस तरह से ये आसानी से टर्न हो जाएंगे। अब इनको थोड़ी देर और कवर करके हमें रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब आपने इसके अंदर एक कप फेंटा हुआ दही ऐड करना है। दही अच्छी तरह से फेंटा हुआ होना चाहिए, अगर दही को ना फेंटो तो उसमें लम्स बन जाते हैं,
आपकी ग्रेवी स्मूथ नहीं बनती। दही के पकने का इंतजार करने से कवर करके दही के पकने तक छोड़ देते हैं। दही का पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। हमारे कोफ्ते तकरीबन तैयार हैं। इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। लास्ट में इसमें आप हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चों से इसको आप गार्निश कर लीजिए। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।